प्यारे बच्चों, ए टू जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को वॉल्यूम परसेंटेज पर आधारित प्रश्न का वर्णन करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन क्या देखते हैं कि ए बोतल ऑफ एंटीसेप्टिक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 फॉर्मूला होता है इज लेबल्ड 3% वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है कितना, 3%। हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ H2O2 आर इन ए 400 मिलीलीटर बोतल ऑफ सोल्यूशन। ये 400 बोतल मतलब टोटल बोतल का टोटल सोल्यूशन क्या दिया हुआ है 400। तो यहाँ पर सोल्यूशन कितना हम लोग का दिया हुआ है 400 मिलीलीटर और मास परसेंटेज दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या, मिलीलीटर ऑफ H2O2 मतलब सॉल्यूट। हिंदी में क्या देखेंगे, हिंदी में हम लोग देखेंगे क्या, यदि किसी बोतल में यदि किसी बोतल में प्रति जैविक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 3 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का द्रव्यमान प्रतिशत 3% है तो 400 आयतन सॉल्यूशन में कितना H2O2 का आयतन होगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट का आयतन निकालना है। तो सॉल्यूट के रूप में है क्या, तो H2O2 मान लेते हैं क्या इसको X मिलीलीटर। अब हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, तो वॉल्यूम परसेंटेज कितना दिया हुआ है 3। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इक्वल टू 3। तो सॉल्यूट के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स, और सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 400 इंटू 100 इक्वल टू 3। तो यहाँ से 100 कट जाएगा तो 34 एक्स बराबर 12 मिलीलीटर। तो H2O2 का आयतन क्या हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा 12 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ 125 मिलीलीटर ऑफ एसीटोन आर डिजॉल्व्ड इन ए वाटर सॉल्यूशन सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 800 मिलीलीटर कैलकुलेट आयतन प्रतिशत। हम लोग देखेंगे हिंदी में क्या देखेंगे, यदि 125 मिलीलीटर एसीटोन जल में मिलाकर सॉल्यूशन बिलियन बनाया गया है, सॉल्यूशन ये बिलियन बनाया गया है जिसमें बिलियन का टोटल आयतन 400 मिलीलीटर है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहां पर हम लोग को टोटल आयतन दिया हुआ है, टोटल क्या, ये तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, तो सॉल्यूट दिया हुआ है सॉल्यूट 125 मिलीलीटर, सॉल्यूशन टोटल दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ कितना 800 मिलीलीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जब भी न्यूमेरिकल बनाए तो फॉर्मूला जरूर लिख दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 125 और सॉल्यूशन 800 इंटू 100, तो 2020 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन करके लाएंगे 125 बाई 8% ये क्या आ जाएगा हमारा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्या आया हमारा, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इस टाइप से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल लेगा तो बना सकते हैं। केवल सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को क्लियर करना है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूशन है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन कर देना है।